हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग जानेंगे कि क्या चीज़ का गोश्त हलाल है या हराम है। मधुमक्खी, सुअर, कीड़ा ये सब हराम है, भैंस हलाल है। चीता, तिलचट्टा ये सब हराम है, मुर्गा, मुर्गी, बैल, सांड ये सब हलाल है। चींटी, बीजू, चमगादड़, भालू ये सब बिल्कुल मना है, हराम है। सांड, ऊंट, किनड़ी, चिड़िया हलाल है, खा सकते हैं। बिल्ली का गोश्त हराम है। केकड़ा, जिसको क्रेब के नाम से जाना जाता है और लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हराम है। कौवा, कुत्ता, गधा ये सबका गोश्त बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, हराम है। डॉल्फिन खा सकते हैं, हलाल है। बत्तख हलाल है। चील, हाथी, बाज ये सब बिल्कुल मना है, हराम है। जिंदा मछली हलाल है, अगर पानी में मछली मर गया है तो हराम है। हिरन, जिराफ, बकरी, बत्तख ये सब का गोश्त खा सकते हैं, हलाल है। चूहा, घोड़ा, लकड़बग्घा, सियार ये सब हराम है। शेर, नीलकंठ पक्षी, छुछुंदर, बंदर बिल्कुल मना है, हराम है। सनबुक मकरूह है, खा सकते हैं लेकिन मना है। शुतुरमुर्ग हलाल है। मोर, सुअर ये सब बिल्कुल हराम है, हलाल है। आपका कबूतर, बटूर, चूहा, समुद्री घोड़ा, शार्क ये सब हराम है। भेड़ हलाल है। रेंगने वाला कुछ भी, सांप हराम है। चाहा, गोरैया हलाल है। गिलड़ी, सारस, अबाबील ये सब हलाल है, खा सकते हैं। चीता हराम है। टर्की एक मुर्गी के जैसा ही होता है, हलाल है। कबूतर भी हलाल है, कछुआ हराम है। वीडियो में दी गई ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकअल्लाह खैर।